ठीक है, तो ये बहुत हाई फाई हो जाएगा। मेजर है कि डीएनए आरएनए है प्रोटीन। चलिए बात करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। हालांकि ये पार्ट है नहीं, लेकिन जब ये समझेंगे नहीं तो आगे जाएंगे नहीं। हालांकि ऑलरेडी आप लोगों को कुछ ही दिन पहले हम जेनेटिक्स में पढ़ाए कि जीन क्या होता है। देखो जीन के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो पहले मालूम था हमको, और आज की डेट में जब से हमने डीएनए की डिस्कवरी कर ली, डीएनए हो गया, तो अब जो कॉन्सेप्ट आया दैट इज द मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन की बात करो तो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इसकी शुरुआत होती है मेंडल से। मेंडल साहब ये पहले पर्सन थे, इन्होंने अंदाजे में ही तीर चला दिया। उन्होंने कहा कि दैट सम फैक्टर्स आर द प्रेजेंट व्हिच डिटरमाइन द फिनोटाइप कैरेक्टर। बॉडी में क्या है, कुछ फिनोटाइप्स हैं, गैमेट्स में, जो क्या करते हैं किसी भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं। बाद में इन्हीं फैक्टर को जोहानसन साहब ने गिव द टर्म जीन, उन्होंने क्या कह दिया जीन। उस समय तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी व्हाट इज द डीएनए, जीन क्या होता है, कोई किसी को कुछ नहीं मालूम। लेटर ऑन वेटसन एंड पुनेट गिव द प्रेजेंस एंड अब्सेंस थ्योरी, द प्रेजेंस एंड द अब्सेंस थ्योरी। उन्होंने कहा कि हर करेक्टर के दो होते हैं, एक दो डोमिनेंट करेक्टर, एक रिसेसिव करेक्टर। डोमिनेंट करेक्टर को निर्धारित करने वाले कुछ डिटरमिन्स होते हैं, कुछ डिटरमिन्स होते हैं, उनको आप फैक्टर कह लो या जो कह लो। जब वो होते हैं तो करेक्टर क्या होता है, यानी प्रेजेंस होते हैं तो करेक्टर आता है, जब वो नहीं होते तो रिसेसिव करेक्टर आ जाता है। डिटरमिन्स आर द व्हेन द अब्सेंट, दैट आर द रिसेसिव करेक्टर आर द, जब प्रेजेंट होते हैं तो डोमिनेंट करेक्टर आता है। इसी थ्योरी को क्या कहा उन्होंने, द प्रेजेंस एंड अब्सेंस थ्योरी विच इज गिवन बाय द वेटसन एंड पुनेट। लेटर ऑन द टीएच मॉर्गन, इन्होंने जीन थ्योरी दी 1926 में। इन्होंने कहा कि जीन इज द कॉर्पसल्स, दे आर द अरेंज, ये क्या है, एक बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है जो अरेंज होते हैं ऑन द क्रोमोसोम, दे आर द अरेंज इन द लीनियर ऑर्डर, क्रम में लीनियरली अरेंज ऑन द क्रोमोसोम, जस्ट लाइक दैट अपीयर लाइक द बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। धागा में क्या होता है, मोती, द मोती आर द जीन्स, और जो धागा है क्या है, दैट आर द क्रोमोसोम। उन्होंने कहा जो बीड्स होते हैं उसी तरह से उन क्रोमोसोम से क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अब तक जो बात हुई क्लासिकल कॉन्सेप्ट में, सबने कहा कि हर करेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन होता है, सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंगल करेक्टर। लेकिन अब तक किसी को कुछ नहीं मालूम है भैया कि डीएनए क्या है, जीन क्या है, आरएनए क्या है, नो। मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट आया है कब, जब डीएनए की डिस्कवरी हो गई, जीन के बारे में मालूम चलने लगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले इस पे गैरॉड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि यार ये जो जीन्स होते हैं ये दे आर द कनेक्टेड विद द एंजाइम। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कहा कि द जीन्स आर द कनेक्टेड विद द एंजाइम। जब जीन्स होते हैं तो कुछ एंजाइम की सिंथेसिस करते हैं जिसकी वजह से वो करेक्टर आता है, यानी वो एंजाइम बनता है तो उससे एक प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन की वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर करेक्टर आता है। तो ये गैरॉड साहब का एक कॉन्सेप्ट था, एक तरह से कह लो दैट इज द जीन एंड एंजाइम कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। हालांकि इन्होंने एक काम जो किया था, फेनिल कीटो यूरिनिया एक डिजीज होती है जिसे कई लोगों के बाथरूम देखते हैं काले पड़ जाते हैं, ठीक है, उस पर उन्होंने काम किया था, ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है, आफ्टर द डिस्चार्ज, तो उस पर वो काम कर रहे थे। तो वहां पे इन्होंने कहा कि वो क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन जीन्स उनमें होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो एंजाइम सिंथेसाइज होता है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी होती। बाद में बीडल एंड टेटम ने इन्हीं के वर्क को आपका ये प्रमोट किया या उनको और वेरीफाई किया, दे आर द वर्किंग ऑन द एक फंगस था न्यूरोस्पोरा क्रेजा, उस पर इन्होंने काम किया, और उन्होंने क्या किया उस फंगस पे या उस मोल्ड पे एक्सरे की जो डाला, एक्सरे क्या करता है, दैट इज द म्यूटाजेनिक एजेंट, वो क्या कर देता है, म्यूटेशन काज करता है, यानी डीएनए को ब्रेक कर देता है। इन्होंने देखा जब डीएनए पे हमने क्या किया, एक्सरे डाल दिया, तो सर्टेन एंजाइम आर द नॉट सिंथेसाइज, उस जो न्यूरोस्पोरा सिंथेसाइज करता था कुछ एंजाइम और उसकी वजह से वो प्रोडक्ट बनता था, और जब एक्सरे से ट्रीट कर दिया तो बैक्टीरिया तो जीवित है
लेकिन सर्टेन एंजाइम आर द नॉट सिंथेसाइज, ठीक है। तो इसी के आधार पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कहा वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। दैट इज नॉट ए थ्योरी, इट इज द हाइपोथेसिस, इट इज द हाइपोथेसिस। एक परिकल्पना थी, इन्होंने कहा कि एक जीन एक एंजाइम के सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। बाद में इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया, कहा भैया केवल जीन एंजाइम ही नहीं बनाता है, दे आर आल्सो सिंथेसाइज द प्रोटीन। तो इस कॉन्सेप्ट को बदल दिया गया, चूंकि ऑल एंजाइम आर द प्रोटीन, देयरफॉर वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस। क्या कह दिया गया, वन जीन वन प्रोटीन वन प्रोटीन। बाद में थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया, कहा यार केवल प्रोटीन के लिए नहीं जिम्मेदार होता, कई तो इतने बड़े बड़े प्रोटीन है उनके एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए जिम्मेदार होता है। तो उन्होंने मॉडिफिकेशन के बाद क्या कर दिया, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड। कुल मिला के अब तक जो बात हो रही थी, अब तक के जो मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट की बात हुई है, सबने कंसीडर किया है कि जीन क्या है, एक यूनिट है। जीन क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट, एक बेसिक यूनिट है जो किसी एंजाइम प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब ये नहीं कि जीन को आधा कर देंगे तो आधा एंजाइम बनाएगा, आधा नहीं बनाएगा, वो सबसे छोटा पार्ट जो एक पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर प्रोटीन या पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन को, यानी हम एक यूनिट के रूप में कंसीडर कर रहे थे। अप टिल नाउ जीन इज द कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। फिर एक साइंटिस्ट थे बेंजर जो है ड्रासोफिला मेलानोगास्टर पे वर्क किया इन्होंने, और इन्होंने इस इन्होंने देखा कि यार ये जो जीन होता है दैट आर नॉट दैट इज अ सिंगल यूनिट, जीन के भी कई पार्ट होते हैं, जीन के भी कई पार्ट होते हैं। और इन्होंने देखा कि जीन हैविंग द जैसे लाइक दैट इस पे वर्क किया था, जिसपे इन्होंने एक जीन होता है दैट इज कॉल्ड द आर टू जीन, इस ड्रासोफिला मेलानोगास्टर में आर टू जीन, दी जीन हैव द टू पार्ट आर टू ए आर टू बी, इट इज अबाउट दैट 3000 बेस पेयर लॉन्ग, कितना होता है 3000 बेस पेयर का ये जीन है, ठीक है। इट हैविंग द फॉलोइंग थ्री पार्ट अबाउट द 308 इज द रिकॉन, 500 बेस पेयर लॉन्ग इज द म्यूटॉन, एंड रेस्ट आर द सिस्ट्रॉन, रेस्ट आर द सिस्ट्रॉन। जिसका एक पार्ट है दैट सिस्ट्रॉन इज द यूनिट ऑफ द फंक्शन, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो जीन डीएनए का पार्ट उत्तरदायी होता है, यानी जीन का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द सिस्ट्रॉन, दैट इज द यूनिट ऑफ फंक्शन, यूनिट ऑफ फंक्शन। यूनिट ऑफ द रिकॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड एज द रिकॉन, यूनिट ऑफ द रिकॉम्बिनेशन, यानी डीएनए का वह छोटा से छोटा पार्ट जिसमें क्या हो सकता है रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर होने की क्षमता हो, ठीक है। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द रिकॉन, दैट इज कॉल्ड एज द रिकॉन। रिकॉन म्यूटॉन वह छोटा से छोटा पार्ट जिसमें किसकी संभावना हो, म्यूटेशन की, म्यूटेशन होने की हो। अब बहुत चार न्यूक्लियोटाइड बेस का है कोई डीएनए और आप कहो सर इसमें म्यूटेशन कर दो तो क्या बनाएगा, वो एक अमीनो एसिड बनाएगा, एक अमीनो एसिड का तो कोई प्रोटीन ही नहीं होता है। तो वह छोटा से छोटा पार्ट जिसमें म्यूटेशन होने की हो सकता है दैट यूनिट इज कॉल्ड एज द म्यूटॉन। तो आज की डेट में जो डीएनए जीन का कॉन्सेप्ट है कि जीन इज नॉट ए सिंगल यूनिट, ठीक है, जो अभी तक बात कर रहे थे दैट हैव द वेरियस, इट मे बी द रिकॉन, इट मे बी द सिस्ट्रॉन, इट मे बी द म्यूटॉन। अब तो और बातें हो गई हैं, जैसे जैकब एंड मोनेट साहब ने अभी आलिम कुछ दिनों पढ़ाया था गिव द ओपेरॉन हाइपोथेसिस, उन्होंने कहा कि जो जीन के जो पार्ट होते हैं कई होते हैं, एक तो होता है जो सिस्ट्रॉन होता है जिससे कोई एंजाइम बनता है, लेकिन कुछ और भी डीएनए के पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं उसके सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं, क्या करते हैं रेगुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन। तो अभी जो बात कर रहे थे वो केवल फंक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ तो और भी आ गए, कुछ ऑपरेटर जीन भी हैं, प्रमोटर जीन भी हैं, रेगुलेटर जीन भी हैं, स्ट्रक्चरल जीन।